नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। 18वीं संसद के सत्र का चौथा दिन था, लेकिन नई संसद में सिंगोल को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने पत्र लिखकर संसद से सिंगोल हटाए जाने की मांग की है। आरके चौधरी ने कहा है कि सिंगोल का अर्थ राजदंड अर्थात राजा का डंडा है। सियासी व्यवस्था खत्म करके ये देश आजाद हुआ, देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर संविधान से। मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए सिंगोल हटाया जाए। आर के चौधरी की इस मांग का विपक्षी दल भी समर्थन कर रहे हैं। वही आर के चौधरी के विरोध में एनडीए नेता उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं और बंटवारे की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। सवाल है कि सिंगोल हटाने की मांग संविधान के लिए है या फिर अपनी सियासत के लिए है? आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे। देखिए, सिंगोल पर झगड़ा या अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, लेकिन सबसे पहले आपको आर के चौधरी की मांग क्या है वो बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद यूपी के मोहनलालगंज से सांसद हैं आर के चौधरी। उन्होंने कहा कि संविधान महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र का प्रतीक है। पिछले सत्र में बीजेपी ने संसद में सिंगोल स्थापित किया। सिंगोल का अर्थ राजदंड अर्थात राजा का डंडा। सियासी व्यवस्था खत्म करके ये देश आजाद हुआ, देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से। मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए सिंगोल हटाया जाए। अब आपको सिंगोल की पूरी एबीसीडी भी बताते हैं। सिंगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है। 28 मई 2023 को नए संसद भवन में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सिंगोल स्थापित किया। सिंगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। सिंगोल का अर्थ है न्यायपूर्ण शासन। सिंगोल तमिल शब्द सेम्माई और कोल को मिलाकर बना है। सेम्माई का मतलब नीति परायणता और कोल छड़ी को कहते हैं। पहले तमिल राजाओं के पास सिंगोल होते थे, जिसकी मान्यता थी कि सिंगोल अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। सिंगोल की लंबाई लगभग 1.5 मीटर है, जिसका मुख्य हिस्सा चांदी से बना है और 800 ग्राम सोने की परत चढ़ी है। सिंगोल के शीर्ष पर नंदी की नक्काशी है। नंदी की स्थिरता शासन के प्रति अडिग होने का प्रतीक माना जाता है। सिंगोल का नेहरू से कनेक्शन भी माना जाता है। 1947 में धार्मिक मठ अधिनियम के प्रतिनिधि ने जवाहरलाल नेहरू को, जब वो पहले प्रधानमंत्री थे, ये सिंगोल सौंपा था, जो कुछ दिनों बाद इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया था। अब इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ देखिए स्वयं आर के चौधरी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने सिंगोल को हटाकर संविधान की प्रति लगाने की मांग की है। आर के चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आर के चौधरी जी, क्या दिक्कत है आपको बता रही है सिंगोल से? क्यों हटाना चाहते हैं आप संसद से सिंगोल को? भाई, मैं सिंगोल से दिक्कत नहीं है, मैं सिंगोल का सम्मान करता हूं, लेकिन सिंगोल तब तैयार किया गया था जब देश आज़ाद होने वाला था और इस देश के पुरोहितों ने सलाह दिया कि आज़ादी के मौके पे सत्ता का ट्रांसफ़र हो तो सत्ता हस्तांतरण के समय एक कोई ऐसी तोहफा दिया जाए। तय हुआ सिंगोल, तो सिंगोल बना के तैयार तो किया, उसे दे दिया उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन को, उन्होंने हैंड ओवर किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सा सम्मान लिया, फूल पत्ती लगा के लिया और उसे रख दिया इलाहाबाद के संग्रहालय में। वो सही जगह था, सम्मान साथ रखा। लेकिन मोदी सरकार इधर आई, पहले नहीं किया, तो सिंगोल वहाँ से उखाड़ के ला के रख दिया लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में, नई संसद भवन ही वहाँ रख दिया। तो निश्चित तौर पे भारत का जो संसद भवन है ये लोकतंत्र का एक मंदिर है। ये मंदिर चलेगी, ये संसद चलेगी संविधान से, ना कि सिंगोल से। सिंगोल की अपनी पहचान है और संविधान की अपनी पहचान है। तो क्या हमारी मांग है कि सिंगोल जहां से लाया गया था वहां भेजा जाए? संसद सिंगोल से चलेगी या संविधान से? तो क्या जब से सिंगोल लगाया गया क्या संसद संविधान से नहीं चल रही है? क्या संसद में संविधान सम्मत काम नहीं हो रहे हैं? बात सम्मत नहीं है, अब चाहे जो लगा के रख दीजिए, हद हो गई यार। मतलब वो सिंगोल रखने जगह है, वो रख दीजिए सिंगोल रखने जगह जहाँ थी वहां रखी गई थी। प्रधानमंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो सिंगोल दिया था, जो कि प्रतीक था सत्ता के हस्तांतरण का। भारत के इतिहास की इतनी ऐतिहासिक घटना जहां उन्होंने कहा रख दिया भारतीयों को शासन मिल रहा है, सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक, आजादी का प्रतीक, आप उसको कह रहे हैं चाहे जो लाकर रख दीजिए? अरे भाई, वहां रख दिया है उन्होंने, वहां रख दिया था ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रखा था इलाहाबाद के संग्रहालय में, वो सही जगह था। अब आपसे बहस नहीं कर, आप खाली सवाल करना चाहिए ना। मैं बहस नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन अगर आप देंगे तो जवाब देना पड़ेगा ना सर।
आप जिस लोकतंत्र आप सवाल पूछे उस लोकतंत्र में हमें सवाल सवाल है कि आप हमसे बहस करेंगे ना, हद हो गई यार भाई। संसद चलेगा संविधान से, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मंदिर में निश्चित तौर पे सिंगोल हटा के एक विशाल काय मोटे एक संविधान के प्रति वहाँ रखनी चाहिए, तब निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। हम किसी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सिंगोल जहाँ था वहाँ वापस कर देना चाहिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा आर के चौधरी जी, क्या सिंगोल रहते हुए संसद संविधान से नहीं चल रही है या देश संविधान से नहीं चल रहा है? अरे भाई हम कह रहे हैं संविधान में रहा है, बिल्डिंग में रहा है, अगर बगिया में चलाएं तभी चल जाएगा, चलन चले जाएगा ना, लेकिन मर्यादा होती है। अगर संसद भवन है तो लोकतंत्र का मंदिर है, उसे चलाना चाहिए संविधान से। हम सम्मान करते हैं सिंगोल का, लेकिन जिस स्थान पर रखा गया था बड़ा सम्मान साथ पूजा पाठ साथ रखा गया था वो सही जगह थी, उसे यहाँ लाने की जरूरत थी बीच में, क्योंकि ये संसद मैंने कह दिया सही है, क्योंकि आपने खुद कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ लोकतंत्र के जरिए लोकतांत्रिक तरीके के जरिए आप जैसे चुने हुए सांसद आते हैं और वो बताता है कि ये भारतीयों के द्वारा चुने गए भारतीय जनप्रतिनिधि हैं जो भारतीयों के लिए काम करेंगे, ना कि कोई अंग्रेज हम पे आके शासन करेगा, तो ये प्रतीक ये समझना पड़ेगा ना। सुनिए सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का, सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का, दोनों अंतर है कि नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, सिंगोल प्रतीक राजतंत्र है न्याय का, लोकतंत्र पे अंतर है, सिंगोल प्रतीक है न्याय की अपेक्षा का, अरे न्याय तब का राजा, अरे सुनिए, अरे आप गलत बोल रहे हैं, न्याय तब का जब राजा लोग थे, अब राजा महाराजा यहाँ थे 555, उन्हें डिस्पजेस करके सरेंडर करके यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिला लिया, अब यहाँ लोकतंत्र है राजतंत्र नहीं है। तो आप नहीं चाहते कि लोकतंत्र में न्याय की है राजतंत्र का, आप नहीं चाहते कि लोकतंत्र में न्याय का प्रतीक हो? मेरे चाहने आप समझिए, मेरे चाहने जाने की बात नहीं है, बात है जहाँ जगह सिंगोल के है सिंगोल रहे, जहाँ जगह संविधान के संविधान रहे। तो संसद में क्या संविधान को जगह नहीं मिली है? दोनों का अपना अपना महत्व है, संसद में संविधान नहीं है, आपने देखा क्या है वहां संविधान? सर आप ही लोग दिखा रहे हैं, देखा है? दिखा रहे हैं, आपके नेता ने दिखाया? नहीं देखा ना, आपके नेता ने दिखाया है, देखा हमने, नहीं है आपके नेता ने शपथ लेते समय ऐसे दिखाया सर? संविधान ले गए बाहर से वहां, अरे वहां अस्थापित नहीं, खुद ले गए थे अपने हाथ में ले गए थे, अस्थापित नहीं है संसद में, नई संसद में जो म्यूरल्स बनाए गए हैं, नई संसद में जो वहां पर भारत के तमाम प्रतीकों को दिखाया गया है वहां पर संविधान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मेरी नॉलेज में जहां तक है वहां संविधान है सर, आपकी नॉलेज गलत है, जो संविधान दिखाया गया था वो बाहर से उद्यन के लिए ले जाया गया था, हर मेंबर ले गया था, कोई समाजवादी पार्टी का बीजेपी के लोग नहीं ले गए थे, तो जो गैलरी निश्चित तौर पे एक प्रतीक के तौर पे संविधान की मोटी प्रति रखनी चाहिए, प्रतीक के तौर पे एक मोटी प्रति रखनी चाहिए। अच्छा आर के चौधरी जी, अगर सिंगोल राजशाही का प्रतीक है, आर के चौधरी जी सिंगोल अगर राजशाही का प्रतीक है तो सफाई महोत्सव किस बात का प्रतीक था सर, ये बताइए? अब आपने कहां से सवाल पैदा कर दिया है, वो ना संसद है ना मंदिर है, वो अलग चीज है, देखो इसमें बहस नहीं, जो आपने सवाल किया मैंने आंसर दे दिया, क्या है सर वो क्या था, किस बात का प्रतीक बात नहीं होनी चाहिए भाई, इस बात का प्रतीक मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सुनिए, सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का, सबके अपने जगह है। महोत्सव किस बात का प्रतीक है सर, किस बात का प्रतीक था ये तो बताइए दर्शकों को। अरे भैया ये तो आप सवाल, अरे ये कहां से आप ले आए, ये सवाल कहां से ले आए इसमें भाई, क्यों नहीं लाए सर सिंगोल की, हम आपके सिंगोल ले आए, हम सफाई महोत्सव नहीं ला सकते सर? अरे ऐसा ना बोलिए, अरे सुनिए हद हो गई यार, मतलब आपको ऐसा पूछना चाहिए, जो चाहे पूछ लें। अरे मैंने कौन सा गलत सवाल पूछ लिया? अच्छा सुनिए आर के चौधरी जी, मैं आपको अखिलेश यादव का एक बयान सुनाना चाहता हूँ, चलिए आप सफाई महोत्सव पर नहीं, सुनिए पहले मेरी बात, मैं आपको अखिलेश यादव का एक बयान सुनाऊंगा और उसके बारे में आप जवाब दीजिएगा। रुकिए भाई रुकिए, अच्छा ये बताइए तो क्या अगर संविधान पूछना हो सिंगोल पूछना पूछिए? नहीं लोग ये कह रहे हैं क्योंकि मोदी को नहीं हटा पाए, मोदी को नहीं हटा पाए इसलिए सिंगोल को हटाने की मांग कर रहे हैं, ये पार्टी का फैसला नहीं है, आर के चौधरी चिट्ठी है। हाँ अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे निश्चित तौर पे अगर कहेंगे कि आर के चौधरी वेंट अपन, आप आगे बढ़ो करो हम साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी का मुद्दा हो जाएगा, अभी तो आर के चौधरी खाली चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव से इस पर कोई बात नहीं हुई? मैंने व्यक्तिगत लिखा है, अभी कोई बात नहीं हुई।
अखिलेश यादव तो पब्लिक में बाइट दे रहे हैं इसको लेकर। ये मैंने चिट्ठी लिखा है, दे दिया। हाँ तो सही, जो उनको जानकारी बता दिया, आज मेरी सलाम दुआ हुई है, उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। ये तो बैठ के हम बात करेंगे ना कि आगे क्या किया जाए। नहीं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सनातन का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है, और आर के चौधरी को न केवल न्याय का प्रतीक है बल्कि सनातन का प्रतीक है। खत्म हो गई। सनातन कर्म कांड के जरिए ही उसको संसद में स्थापित किया गया, इससे भी दिक्कत है क्या आपको? कर्म कांड की जगह नहीं है वो, कर्मकांड बाहर होता है, संसद अंदर नहीं। कर्मकांड को कुछ लोग मानते हैं, सब लोग नहीं मानते। ये देश सबका है, ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का है, ईसाई का है, अग्रणों का है, पिछड़ों का है, सबका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उसमें ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबके लिए लिखा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक आरोप अंदर लग रहा है, आप धर्म नहीं चलेगा, धर्म बाहर चलेगा, इसलिए आप सेंगोल को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये इसमें दो राय नहीं है, मैं देश के उच्च वर्ग लोग चाहता हूँ बहुत आगे बढ़ें, लेकिन जो सदियों से पिछाड़े गए हैं, जो दबाए गए हैं, कमजोर बनाए गए हैं, ये देश उनका भी है, उनकी संख्या ज़्यादा है, उनको भी आगे बढ़ के इस देश में उच्च वर्ग बराबर जिंदगी जीने मौका मिल जाए, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, मकान दुकान, कमजोर वर्ग पास होने लगे, निश्चित तौर पर डंके की चोट पर मैं इसका समर्थक हूँ। तो इसीलिए आप सिंगल हटवाना चाहते हैं? धन्यवाद। अभी कोई सवाल हुआ नहीं, इसीलिए सिंगोल हटाना चाहते हैं। सिंगोल हटाना चाहते, मैंने कह दिया कि सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। आप और हमारा संविधान क्यों नहीं अलाउ करता है खाली लोकतंत्र को? और लेना चाहता हूं, आप न्याय का प्रतीक क्यों नहीं मानते? कह दिया नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। न्याय प्रतीक था जब यहाँ राजा महाराजा थे, अब नहीं। न्याय प्रतीक था ना सर, इसलिए सम्मान करते हैं, लेकिन तब जब यहाँ अरे सुनो, अरे गलत बात ना बोलिए, तब यहाँ संविधान नहीं था, अब यहाँ संविधान है। अच्छा, अब यहाँ संविधान चलेगी, ठीक है। अब न्याय राजा लोग करते थे, सुनिए, ठीक है, न्याय राजा लोग करते थे। अरे सुन लीजिए हमारी बात, न्याय राजा लोग करते थे, जब दौरान बैठते थे तो डंडा लेके बैठते थे, उसे सिंगोल कहते हैं, ना खाता ना बही, राजा साहब ने जो कह दिया वही सही, अब ये नहीं चलेगा। ना खाता ना बही, जो कह दिया राजा साहब ने वही सही, लेकिन न्याय तो अभी भी चाहिए ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। आरके चौधरी समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं मेरी निजी मांगे इस पर बात करने के, देखिए रोहन गुप्ता आ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और प्रियंका भारती आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। क्या कह रहे हैं आरके चौधरी, सुना आपने रोहन गुप्ता? ना खाता ना बही, जो राजा कहे वही सही, इसका प्रतीक है सिंगोल और इसलिए इसको हटाया जाए। क्या कहना है बीजेपी का? गौरव जी, पूरे देश ने ये इंटरव्यू को देखा होगा, जिस अहंकार से उन्होंने बात की, जिस तरीके से, जो स्टाइल में बात की, यही जो है ये ट्रेलर है जो विपक्ष ने कल से ये जो ट्रेलर दिखाना चालू किया है, वो कड़ी में ही आगे बढ़ रहा है। अब ये जो खाता ना वही वाली बात है, विपक्ष के लिए सही कि उनको विरोध करना है, कोई भी चीज का विरोध करना है, बस उनको दिखाना है कि अब हमारा आंकड़ा बढ़ गया, हम किसी भी चीज का विरोध करेंगे, हम देश की संस्कृति का विरोध करेंगे, आजादी के प्रतीक का विरोध करेंगे, धर्म के प्रतीक का विरोध करेंगे, न्याय के प्रतीक का विरोध करेंगे, सत्य के प्रतीक का विरोध करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने बात की, मुझे सीधी ताज्जुब हो रहा है गौरव जी, जिस प्रकार से, किस अहंकार से उन्होंने बात की। आपने कहा तो कहते हैं ये तो राजतंत्र का प्रतीक है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान कर दिया कि जिन्होंने जो सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल का सांकेतिक रूप से स्वीकार किया, ये तो उनका अपमान है। तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी राजा थे? क्या प्रजातंत्र के प्रतीक नहीं थे? किस प्रकार की बातें कर रही है गौरव जी? ये पूरी चीज दिखा रहा है कि उनके पास मुद्दों का अकाल हो चुका है, और ये ट्रेलर है, देश की जनता ये देख रही है। अभी तो 3 दिन हुए किस प्रकार के मुद्दे उछाल के, देश की संस्कृति का, तमिल संस्कृति का, न्याय के प्रति का, धर्म के प्रति का, ये लोग जो अभी विरोध करने में लग गए, क्या इनको और कोई मुद्दे नहीं है? बिल्कुल, ये इस चीज का ट्रेलर है कि हर चीज का विरोध होगा, देश की संस्कृति का विरोध होगा, देश के धर्म का विरोध होगा, देश के न्याय के प्रतीक का विरोध होगा, हर एक चीज का विरोध होगा जो देश को जोड़ के चल रही है, हर एक चीज का विरोध होगा जो देश की संस्कृति से जुड़ी हुई है, हर एक चीज का विरोध होगा जो उनके खिलाफ है, हर एक चीज का विरोध होगा जहां पे उनको लगता है। लोगों के पास मुद्दे नहीं है, आप केवल विरोध करने जा रहे हैं देश की धर्म का, देश की संस्कृति का, न्याय के प्रतीकों का, और ये उसी का ट्रेलर है जो आर के चौधरी ने दिखाया है। आरके चौधरी साहब, एक पुराने अनुभवी नेता ने एक चिट्ठी में अपनी राय दे दी। आपके पास मुद्दे नहीं है जो आप इस पर लगातार बात कर रहे हैं।
उन्होंने एक अपनी राय रखी कि नेहरू जी ने स्वीकार किया, क्योंकि नॉर्थ माउंटबेटन जो विदेशी शासन था, अंग्रेजी शासन के प्रतिनिधि थे, उनके हाथ में जो सत्ता थी वो नेहरू जी को दे दी। नेहरू जी ने उसे रखा, कहा ठीक है आपसे सत्ता स्वीकार की और हमारे देश ने तय किया है कि हम लोकतंत्र के माध्यम से संविधान के हिसाब से देश चलाएंगे। आपने जो न्याय का प्रतीक, राजतंत्र का प्रतीक, जो भी इसे कहिए वो दिया, उसको ससम्मान रख दिया संग्रहालय में। अब मोदी जी को लगा कि वो तो लॉर्ड माउंटबेटन है, पिछली बार तो जो बहुमत था उसमें मोदी जी का अहंकार पूरे चरम पे था। उन्होंने कहा मैं लॉर्ड माउंटबेटन खुद हूँ। जो लॉर्ड माउंटबेटन का सिंगोल लेके नेहरू जी ने संग्रहालय में रखा था वो उसे निकाल के संसद में ला के रख दिया। तब लोगों ने चर्चा की, उस समय क्या अपोजिशन के लोगों से राय ली थी, कोई आपस में मशवरा किया था? भारत का संविधान ये कहता है, लोकतंत्र की परंपरा ये है कि आपस में विचार विमर्श होगा और जो राय सरकार की होगी वो मानी जाएगी। लेकिन सरकार किसी से राय ही नहीं लेगी। ये तो अच्छा हुआ थोड़ा बहुमत कम हो गया, इसलिए पूछते हैं नीतीश जी को और विपक्ष को और सत्ता पक्ष को। आपने राय संविधान मानते थे तो पिछली पांच साल डिप्टी सीएम डिप्टी नहीं तो स्पीकर क्यों नहीं बनाया? एक मिनट, मुझे एक चीज नहीं बनाया, एक चीज लोकतांत्रिक पद नहीं बनाया। उदयवीर जी जो मर्जी आई सो किया, अच्छी बात है। एक चीज और क्लियर कीजिए, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है भाई? वो सिंगोल हटवाना चाहते हैं या नहीं हटवाना चाहते, ये तो बता दीजिए। इस ऑफिशियल स्टैंड को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे जब पार्टी स्तर पर बात आएगी। अच्छा, आप मुद्दा लेके दौड़ पड़े, आर के चौधरी साहब ने चिट्ठी लिखी और आपने उस पर डिबेट शुरू कर दी। सर तो हमारा तो काम ही आप इंतजार कर रहे थे, मुद्दा लेके आपके सांसद जब हाउस में जाएंगे अपनी राय रखेंगे। आप रोक नहीं पाए, हमें आप पहले दिखा रहे हैं जब आपके सांसद को आप रोक नहीं पाए 10 मिनट तक नेशनल टेलीविजन पर, तो फिर हम क्यों ना उठाएं? हम क्यों ना उठाएं? उदयवीर जी फिर आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम कौन सा मुद्दा उठाएं या ना उठाएं? सुन लीजिए गौरव जी, मेरा सांसद इंडिपेंडेंट देश का नागरिक है, पार्टी में लोकतंत्र है, इस तरह के मुद्दे उठाने पर कोई रोक थोड़े है, वो उठा सकते हैं अगर चाहते हैं तो। कोई संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ, सामाजिक न्याय के खिलाफ क्यों उठा रहे हैं? वो एक मुद्दा जो नेशनल सुर्खियां बन गया उसको आपकी पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि इसके हम साथ खड़े हों या ना खड़े हों, मैं तो ये पूछ रहा हूं सर। नहीं, मैंने भी आपसे कहा जब इस मुद्दे पे राष्ट्रीय स्तर पे राय रखने की बात आएगी तो पार्टी रखेगी, लेकिन मैं तो आपके सामने प्रवक्ता के रूप में रख रहा हूँ। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अच्छा और कौन बता सकता है? सांसद को अधिकार है, अभी आप लोग इस पर तय नहीं कर पाए। सांसद को अधिकार है, मतलब इस पर अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। समाजवादी पार्टी अभी तय नहीं कर पाई है कि सिंगोल हटाने की मांग का समर्थन करें या ना करें, अपने ही सांसद का। कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, धैर्य रख के सुनिए बात पूरी, बताइए आप ही बोल रहे हैं। धैर्य रख के पूरी बात सुनिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सांसद अगर कोई सवाल उठाना चाहे उठा सकते हैं, और लोकतंत्र में अगर सिंगोल को स्थापित करना था तो मोदी जी को सबसे राय लेनी चाहिए, और संविधान को किसी भी अन्य चीज से ऊपर मानना पड़ेगा इस देश में। ठीक है, ये तो सब मानते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं, लेकिन तहसीन, संविधान की सर्वोच्चता को मानना पड़ेगा आपको। तहसीन, सिंगोल को संविधान से कंपेयर करने की बात कहां से आ गई? अगर संविधान की बात, गौरव जी एक मिनट अभी आऊंगा, अभी दो लोग और हैं, रुकिए। तहसीन, संविधान और सिंगोल दो अलग अलग चीजें हैं। संविधान जिसके जरिए देश चलता है और सिंगोल जो कि न्याय का प्रतीक है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते? नमस्कार गौरव जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए मैं आपके शुक्रगुजार हूं। दो या तीन चीज, दोनों चल तो रहे थे। बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए सर। तहसीन पुनावाला का टर्न है उदयवीर जी, अभी आपने बोल लिया, अब उनको बोलने दीजिए, बोल लेने दीजिए, बोलिए तहसीन। ठीक है, बोलिए। नमस्कार गौरव जी, नहीं दोनों चीज एक साथ चल रहे थे और चल सकते और चल रहे थे। सवाल जो माननीय सांसद ने उठाया उस सवाल का उत्तर भाजपा के मेरे मित्र रोहन भाई नहीं दे पा रहे। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में मैं गया हूँ, वहां पे संविधान नहीं है, संविधान एज ए रिप्रेजेंटेटिव एक उस नहीं रखा हुआ है। वो सवाल है कि संविधान क्यों नहीं है, क्या वो मांग करना गलत है? कुछ हो ना हो वो अलग चीज है। दूसरी बात जो उदयवीर जी कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, जब नेहरू जी ने इसे एक्सेप्ट किया, वो माउंट बैटन जी से जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो एक ट्रांसफर ऑफ पावर था, एक विदेशी ताकत से भारत के लोगों को, हमारे पास वी द पीपल, हम भारत के लोग, संविधान के पहले चार शब्द, हम भारत के लोग सबसे ऊपर है।
प्रधानमंत्री से भी ऊपर, राष्ट्रपति से भी ऊपर। लेकिन मैं बड़े विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूँ गौरव भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे एक एंकर है। आपके इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ा क्या विपक्ष सिंगोल हटाकर मोदी जी को हटाना चाहते हैं? ये मोदी जी को पर्सनलाइज क्यों? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी एक राय रखी, ये लोकतांत्रिक मुल्क है आप भी मानते, संविधान सबसे ऊपर है आप भी मानते, संविधान में सबको फ्रीडम ऑफ थॉट दिया हुआ है आप भी मानते, तो एक एमपी की एक राय है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसकी राय भाजपा ने नहीं ली, ये विपक्ष मोदी को हटाना कैसे हो सकता है? मैं आपको इसका जवाब देता हूं, ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन था, उत्तर सुन लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एफर्ट बन रहा है, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा, एफर्ट बन रहा है कि भाजपा के पास, के हमारे पास, आपके पास, मेरे पास, यहाँ पे जितने लोग हैं, पैन पास होता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड, भाजपा के पास है विक्टिम कार्ड, और ये विक्टिम कार्ड खेलना, भैया मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है, मोदी, अरे किसी को मोदी जी के साथ कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है। एक संवैधानिक तौर से एक संवैधानिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक सवाल उठाया, उस पर हम बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं, मोदी जी को हटाने के लिए लड़ लिया भाई, और आप कह रहे हैं मोदी जी को हटाना नहीं चाहते, पूरा चुनाव आपने मोदी जी को हटाने के लिए लड़ लिया भाई, आपने पूरा चुनाव सत्ता में आने के लिए लड़ा, मोदी जी कोई व्यक्तिगत इंसान को हटाने के लिए, उनको हराने के लिए, उनको पॉलिटिकली समाप्त करने के लिए नहीं है, इसमें हमें अंतर समझना होगा सर। ये जो मोदी जी के खिलाफ ये जो आप एथिक्स की बातें कर रहे हैं ना, एक मिनट पैसिन पुनावाला, जो आप ये इन एथिक्स की बातें कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब चुनाव में हमने जो कैंपेनिंग देखी, हमें मालूम है कौन किसको हटाना चाहता था, और अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, अभी आ रहा हूँ, अभी योगेश जी, अभी एक मिनट में आ रहा हूँ आपसे, मैं एक लाइन में इसका जवाब दे दूँ? अच्छा हाँ, बोल दीजिए, एक ही लाइन में इसका जवाब, बिल्कुल आपकी बात से मानता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को मानता हूँ कि पर्सनल अटैक्स है, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को मानता हूँ, लेकिन क्या देश के दो बार हुए प्रधानमंत्री, तीसरी बार हुए प्रधानमंत्री, देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति को ये शोभा देता कहना मुसलमान मुझे? अभी वो डिबेट ही नहीं है, अभी वो डिबेट ही नहीं है, अभी वो डिबेट, फिर आप चले जाओगे, फिर आप कहोगे वो डिबेट नहीं है, ये क्यों? बिल्कुल नहीं है सर, आज तो सिंगोल पर डिबेट हो रही है, जब कहते हैं मुजरा करना तब वो सही है, बिल्कुल सही नहीं है, मैंने कब कहा ये सही है, मैं तो कह रहा हूँ इस पर डिबेट करने का मुद्दा ही नहीं है, आज मुद्दा है कि क्या सिंगोल और संविधान, इसमें कोई राज छुपा हुआ है क्या? वो समय नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, प्लीज मेरी बात को समाप्त तो नहीं दीजिए, प्लीज मुझे मत रोकिए, आपका मुझसे सवाल था, मैंने कोई आपसे काउंटर सवाल नहीं किया, आपने कहा आप मोदी जी पे पर्सनल क्यों हो रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मोदी जी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, भैंस चुराना, जो 12 बच्चे पैदा करते उनमें बांटना, मुसलमान, मुजरा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मछली, क्या ये सही था? जब ये सही नहीं तो आप दूसरे समझे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कैंपेनिंग में शब्द इस्तेमाल किए गए वो गलत थे, मैं कह रहा हूँ कि पूरा चुनाव मोदी सेंट्रिक था विपक्ष का, और मोदी को हटाने के लिए लड़ा गया था, और आप जो बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में अच्छा लगता है, वो जमीन पर नहीं अच्छा लगता। एक मिनट, उदयवीर जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, तहसीन भाई मैं आ रहा हूँ, लंबा हो गया, एक मिनट, उदयवीर भी कुछ बोलना चाहते हैं और प्रियंका भी कुछ बोलना चाहती है, लेकिन पहले रोहन गुप्ता जवाब दे दे, रोहन दो पहले आप जवाब दीजिए, रोहन संविधान पे आप पे हमला करने का आरोप लग रहा है, और ये यहां तक है कि नई संसद में संविधान तक आप लोगों ने नहीं रखा। गौरव जी बड़े दुख की बात है कि दो लोगों ने बात की, दोनों को देश का इतिहास ही नहीं पता, लोगों को, दोनों को देश की परंपरा नहीं मालूम है, ये कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने जो विदेशी जो है उसका प्रतीक है, ये क्या बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप जरा स्टडी करिए क्या उसके पीछे की हिस्ट्री है। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा नेहरू जी को कि आप सत्ता हस्तांतरण कैसे करना चाहेंगे, तब नेहरू जी ने कहा कि हमारे लिए सत्ता हस्तांतरण सिर्फ एक फाइल का आदान, हमारे लिए एक संस्कृति की बात है। तब जाके उन्होंने राजगोपालाचारी जी से चर्चा की कि क्या होना चाहिए, तब उन्होंने बैठ के तय किया कि सिंगोल लाना चाहिए, क्योंकि न्याय का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। यह डिसाइड होने के बाद में तमिलनाडु से मंगाया गया और उसको हस्तांतरण का स्वरूप दिया गया। आप कहते हैं कि राजतंत्र का स्वरूप है, शर्म आनी चाहिए आपको। कब तक आप देश के इतिहास से नफरत करते रहेंगे, संस्कृति से नफरत करते रहेंगे? दूसरी बात, मेरे साथी तहसीन जी ने बात की, उन्होंने कहा मैं संविधान होना चाहिए, पर उसके लिए आपको सिंगोल क्यों हटाना है? किसी से पूछा नहीं सिंगोल लगाने से पहले, आपने कोई चर्चा नहीं की संसद में, और संसद में लाकर सिंगोल लगा दिया। अरे भाई साहब, तो आप जवाहरलाल नेहरू जी से पहले, आप जवाहरलाल नेहरू जी से सवाल पूछिए, जब उन्होंने सत्ता जो जो स्थानांतरण हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पे सिंगोल को किया, सवाल उनसे पूछिए पहले, फिर यहां पे सवाल पूछिए। आप सवाल जो है देश के पहले प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, वो आपको मोदी जी का विरोध करते करते आप कहां चले जाते हैं? तो बस, तो फिर तो जब मोदी जी से पूछ रहे तो आपको सवाल तो वहां से शुरू हुआ है।
स्वीकार तो नेहरू जी ने किया था क्योंकि उनको लग रहा था कि न्याय का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, नैतिकता का प्रतीक है और देश के लोकतंत्र को हम स्वीकार करें, उसको सेंगोल के माध्यम से उसको रिस्पेक्ट दिया। आप विरोध करते करते गौरव जी देखिए संविधान की बात करें, ये लोग विरोध करते करते कहां चले जाते हैं? क्या ये मुद्दा है कि अभी दो नई संसद बनी है, दो दिन के बाद में कहते कि नहीं ये तो मुद्दा, अरे भाई आपके चुने हुए सांसद अगर पत्र लिखेंगे तो मुद्दा तो बनेगा ना, आपका कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर, आपके मुखिया भी उसके बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, अगर आप बयान दे रहे हैं फिर बोलते कि मुद्दा बीजेपी, बीजेपी का मुद्दा बयान आरजेडी ने भी यहां पे प्राइम टाइम पे सेंगोल इसलिए डिस्कस हो रहा है क्योंकि आपने उसको हटाने की बात की, आपने कहा कि राजनीति का, बिल्कुल मैं पूछता हूं, रुकिए प्रियंका भारती, आपकी पार्टी तो वो है जो ना जो दलितों पिछड़ों और जो जिनके ऊपर जुल्म किया गया उनके लिए न्याय की बात करती है, न्याय के लिए आप लोगों ने आपके नेताओं ने आवाज उठाई है, फिर आज एक न्याय के प्रतीक एक राजदंड से इतनी दिक्कत क्यों? वो न्याय न्याय नहीं है। गौरव जी मैं आपके सवाल पर आती हूँ, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ उसकी जरूरत किस लिए पड़ी। अभी रोहन गुप्ता जी तुरंत अभी आरके चौधरी जी बयान दे करके गए, उस पर एक दलित सांसद बयान दे करके गए तो ये कहते हैं देखो किस अहंकार से बोले ये, तो एक दलित अगर ठलक से बोलता है अपनी बात रखता है तो इसलिए इनको लगता है कि वो अहंकारी हो गया। अब मैं आती हूँ आपकी संस्कृति, ये कौन सी बात है कि दलित अगर अपनी बात ठनक से रखता है तो अहंकारी हो गया, ये कौन सी बात है ना? अरे उन्हीं के साथ है चिराग पासवान, वो भी हनक से अपने हाथ से लेके अहंकारी हो गए क्या? आप लोग हर चीज को जाति के चश्मे से क्यों देखने लगते हैं भाई? गुप्ता जी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आरके चौधरी जी अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो बोलिए आप जाति क्यों उसमें जोड़ रही हैं? मुझे देश का अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, देश की संस्कृति का अपमान नहीं हो रहा है। सुनिए अब सुनिए, संविधान देश है, सेंगो देश नहीं है। अब सुनिए बात, आप कहते हैं संस्कृति की बात कर रहे हैं ना, आप अशोका की संस्कृति हमारी है, चंद्रगुप्त मौर्य की संस्कृति हमारी है, बुद्ध की संस्कृति हमारी है और उसी बुद्ध की संस्कृति को फॉलो करते हुए संविधान बना, संविधान की संस्कृति हमारी है, पूरे विश्व को लोकतंत्र देने की संस्कृति हमारी है। आपकी संस्कृति में सिंगोल आता है क्योंकि आप राजशाही चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि लोकतंत्र रहे देश में और सभी लोग समान रहे। आपकी संस्कृति बताऊं मैं क्या है, आपकी संस्कृति है दलितों के साथ शोषण करना, उनके गले में हांडी लटकाना, उनको पानी छूने से वंचित रखना, उनको कुएं तक पहुंचना देना, घोड़ी पर चढ़ने ना देना, ये आपकी संस्कृति है। आप कह रही हैं, आप कह रही हैं, आप कह रही हैं चोल वंश से आया, एक मिनट प्रियंका कुमारी, एक मिनट, आप कह रही हैं चोल वंश से आया न्याय का प्रतीक ये राजदंड, ये आपकी संस्कृति नहीं है। आप प्रियंका जी आप ये नहीं चाहती कि जो शैव जो है शैव संप्रदाय के लोग हैं जिनकी आस्था का प्रतीक है जो मठ जहां से ये आया वो, उसको आप अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानती, उसको आप भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं मानती क्योंकि आपको सूट नहीं करता, आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता वो। आस्था का प्रतीक, आस्था का विषय, आस्था की जगह होना चाहिए, संविधान में उसकी जगह है क्या? संविधान में संसद में उसकी जगह है क्या? संसद में सिर्फ और सिर्फ संविधान की जगह है और किसी चीज की जगह वहां हो ही नहीं सकती है। वहां पर जो हम लोग इसीलिए बार बार मांग उठा रहे हैं कि वहां पर संविधान की प्रति लगाया जाए, आपने देखा होगा ना किस तरीके से आज ओम बिरला जी ने जय संविधान बोलने पर आपत्ति जता दी, तो संविधान वहां रहेगा तो इन लोगों को याद करवाएगा कि संविधान इस देश में है, सभी लोग बराबर है, तू तड़ा की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, सब माननीय है चाहे वो किसी भी जाति से आए, किसी भी धर्म से आए, संविधान की प्रति वहां लगेगी तब शायद ये लोग नियंत्रण में रहेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, इमरजेंसी पे आपकी क्या राय, वो संविधान पर कोई काला धब्बा था कि नहीं था? गौरव जी इमरजेंसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा, राजद ने उस समय भी जब इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे सारे राइट्स को कर्ब किया गया था, यहाँ तक कि मीडिया तक कोई रोक दिया गया था, एक तरह का कर्बिंग उस पे था, हम लोगों ने उस समय भी हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ में हम लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया और अभी अघोषित इमरजेंसी जो देश में चल रही है। आप तो आज उन्हीं के साथ खड़ी हैं जिन्होंने संविधान पर सबसे बड़ा कुठाराघात किया। सबसे बड़ा आघात अगर किसी ने संविधान पे किया है तो वो भाजपा पार्टी है। अभी तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की संस्कृति की बात कर रहे हैं, बोलिए इनको जय पेरियार बोलेंगे ये, जय द्रविडियन संस्कृति बोलेंगे ये, पूछिए ना इनसे, ये जय पेरियार इनके मुंह से निकलेगा नहीं। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, देंगे ये पूरे देश में 69% रिजर्वेशन पिछड़ों दलितों को? गोल पोस्ट चेंज करना बहुत आसान है, गोल पोस्ट चेंज करना बहुत आसान है। आप हो गए उदयवीर जी, हो गए आप दोनों उस पार्टी से हैं जिन्होंने इमरजेंसी का जमकर वहां पर विरोध किया, आपके नेता जेल में रहे, सालों जेल में रहे और आज आप दोनों लोग उस पार्टी के साथ खड़े हैं जिसने इस देश पर इमरजेंसी लगाई और फिर आज आप कह रहे हैं कि संविधान पर हम संविधान बचाने के लिए खड़े। उदयवीर जी जवाब दीजिए, मुझे कुछ कहना है अभी आ रहा हूं, तहसीन अभी आ रहा हूं, पहले उदयवीर जी बोलेंगे फिर आप बोलिएगा। उदयवीर जी जवाब दीजिए, गोल पोस्ट चेंज तो सबसे ज्यादा गौरव जी आप कर रहे हैं,
जैसे ही संविधान और राजतंत्र की बात तुलना आती है आप इमरजेंसी पहुंच जाते हैं। और दूसरा कोई बोले, अभी कुछ बोल रहे थे तो आप समझाने लगे कि नहीं आज बहस तो इस पे नहीं है, आज बहस इमरजेंसी पे है क्या जो आप बोल गोल पोस्ट चेंज। सर मैं तो संविधान आप ही लोगों से सुन रहा हूं और संविधान की जब बात आती है तो संविधान का सबसे बड़ा हमला जो हुआ था इमरजेंसी में हुआ था। मत बोलिए अब आप सुन लीजिए, संविधान पे हुआ था उसको भी हमने लड़ा था और जो हमला मीडिया पे आज है उसको भी हम लड़ रहे हैं। और अंत में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपको दर्द क्या है। सवाल यह है कि बार बार भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी जी। अरे भाई, नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता स्वीकार की थी संसद के अपने अंग्रेजों से। आज संसद के अंदर क्या लगाना है अपने अंग्रेजों से, ये ओम बिरला जी का निर्णय है। संसद के अंदर सर्वोच्च पद अभी इनके अंग्रेज हो गए, स्पीकर का होता है, लेकिन आप संविधान मानते नहीं। आ गई, इनके अंग्रेज हो गए अपने अंग्रेज, आप संविधान मानते नहीं। सर आप संविधान मानते नहीं, आप बताइए, आप संविधान मानते होते आपके हैं तो संविधान तो आप कहां से मानेंगे। ओम बिरला की बात करते ना आप, ओम बिरला की बात करते ना, अब अंग्रेज भी आपके हो गए। गौरव जी कुछ कुछ शर्म आनी चाहिए, मुद्दे पे बात कर नहीं पाते। जवाहरलाल नेहरू जी ने आजादी के प्रतीक के तौर पे ये स्वीकार किया था, आज उसका अपमान कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। उदयवीर जी आपकी पार्टी का अपमान कर रहा है पूरे देश में, संसद में, अगर वो संग्रहालय में रखा है तो रखा है, अपमान क्या इस बात नहीं होना चाहिए, इसमें अपमान किस बात का है। अरे कहां आपको क्या आपत्ति है, आपको क्या आपत्ति है, कैसे हुआ ये? आप बोलते हैं कि राजतंत्र का प्रतीक है, ये तो लोकतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने नहीं बनवाया है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की इच्छा थी। आप क्या लोकतंत्र बताएंगे मुझे? राजकुमाराचारी जी से चर्चा करके इसको बनवाया गया। लोकतंत्र बताएंगे? ये लाउड माउंटबेटन ने नहीं कहा। भारत का झंडा नहीं लगवा पाए आरएसएस के दफ्तर पे बहुत सालों। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, आपकी जो जानकारी करेक्ट कर रहा हूँ, माउंटबेटन ने जो किया मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। ये माउंटबेटन का सिंगोल नहीं है, ये हमारा सिंगोल है, हमारी संस्कृति का जो प्रतीक है, आप उसको अंग्रेजों का बता रहे हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। मैं आपको सिर्फ करेक्ट कर रहा हूं, मुझे करेक्ट मत करिए, आप करेक्ट हो लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने अंग्रेजी शासन को खत्म मान के मैं करेक्ट ही हूं, इसलिए तो आपको करेक्ट कर रहा हूं, सत्ता दी थी सिंगोल के माध्यम से, बात हो गई। इधर उधर मत घूमिए, सीधी सीधी बात है। तो सिंगोल किसने बनवाया आपको मालूम है? जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाया, जी ने स्वीकार करके, आपको शर्म आनी चाहिए। आप भी सिंगोल को अंग्रेजों का बता रहे हैं, स्वीकार करके आप नहीं, सिंगोल बनवाया किसने? नेहरू जी ने बनवाया, अंग्रेजों का नहीं बता रहा हूँ, स्वीकार बनवाया भी उन्होंने है, सिंगोल अंग्रेजों का नहीं है। आपके वर्ड अंग्रेजों का नहीं बता रहा, आपने कहा अंग्रेजों का है, आप पे सवाल जवाब नहीं है, आप रिवर्स करके देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, घूम रहे हैं, उदयवीर जी हो गया, उदयवीर जी एक मिनट, उदयवीर जी घूम रहे हैं, उदयवीर जी एक मिनट, उदयवीर जी एक मिनट, मैं एक सवाल लेना चाहता हूं। आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है अगर वो प्रतीक है तो संग्रहालय में रख दो, तहसील सारे संग्रहालयों को, सारे प्रतीकों को उठा के संग्रहालय में रख देते हैं, सारे प्रतीक जो भी है संग्रहालय में भेज देते हैं, चाहे वो वॉर मेमोरियल हो, चाहे वो इंडिया गेट हो, सब संग्रहालय में भेज दे। आप कौन है? एक मिनट सर, आपसे नहीं पूछा, तहसील पुनावाला से पूछा है, उनका जवाब आने दीजिए। उदयवीर जी आप रुक जाइए, तहसील पुनावाला से पूछा, उनका जवाब आने दीजिए। संसद तय करती है। अच्छा गौरव भाई, सवाल ये है जिसका बुनियादी सवाल का उत्तर नहीं मिला है कि देश के पार्लियामेंट के अंदर संविधान क्यों नहीं, इसका कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ आती सारी बात हो गई, ये सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। मेरे मित्र शशि थरूर जी जय संविधान कहते तो ओम बिरला जी उस पर ऑब्जेक्शन लेते, इसकी बात नहीं हो रही है। बाकी एक व्यक्तिगत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या लिखता है क्या नहीं लिखता है उस पर, जब मैंने कहा कि माननीय मोदी जी अच्छा, आपने बड़ा अच्छा मुझे याद दिलाया, तहसील बात नहीं है, तहसील मैं आपको टोकना नहीं चाहता था, तहसील आई एम सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन मेरा एक सवाल, एक बात सुन लीजिए। आपने शशि थरूर का जिक्र किया, 28 मई 2023 को जब सेंगोल लगाया गया तो शशि थरूर ने एक बात कही थी, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं बात, उनका ट्वीट है ऑन रिकॉर्ड है आप देख लीजिएगा, उन्होंने आखिरी के पैरे में लिखा है कि हमें बस इतना कहना चाहिए कि सेंगोल राजदंड शक्ति और अधिकार का एक पारंपरिक प्रतीक है और इसे लोकसभा में रखकर भारत इस बात की पुष्टि कर रहा है कि संप्रभुता वहां रहती है ना कि किसी सम्राट के साथ। आइए हम अपने वर्तमान के मूल्यों की पुष्टि करने के लिए अतीत से इस प्रतीक को गले लगाएं। वो नहीं कह रहे कि इसको संसद से हटा दीजिए,
वो कह रहे हैं कि ये संप्रभुता का प्रतीक है और हम लोगों को बड़ा दिल करके इसको अपनाना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं हटाओ इसको। मैंने कब नहीं कहा इसको हटाओ, मतलब जो कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं। एक सेकेंड, आप देखिए, आप खुद ही मेरी बात का आपने साथ दे दिया, इसे कहते खुद सरस्वती आके आपके आपकी जुबान पर बैठी। देखिए इस चीज को, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि इसको रखिए, एक व्यक्ति ने कुछ कहा, आप उस पर डिबेट कर रहे हो। एक व्यक्ति ने नहीं कहा, ना प्रतीक, बिल्कुल नहीं, प्रतीक ऑन रिकॉर्ड है, मीसा भारती ने कहा है। मीसा भारती ने कहा है, डीएमके ने कहा है, सुनिए कांग्रेस पार्टी की नेता रेणुका चौधरी उन्होंने कहा है, और अभी आपके सामने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा है, तो केवल एक व्यक्ति ने नहीं कहा। जवाब दे दूं? हां बोलिए। ठीक है, मैं अपना जवाब दे दूं।